हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड बेटे। बेटे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट किया था, और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने एक आपको शायद एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आप लोगों में से काफी बच्चों ने करके देखे होंगे क्वेश्चंस, आई थिंक। यस या नो? ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस सर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो सर। ओके बेटे, बिना क्वेश्चंस किए आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, ट्राई करना पड़ेगा आपको। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, तो ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। चलिए चलिए बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से, क्योंकि उसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इतना ही हमें अच्छा समझ में आएगा। तो डिपेंड करता है आप कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो इससे, इस चैप्टर्स के जितने कंप्लीट ज्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे आपको चैप्टर इतना ही अच्छा क्लियर होगा। तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हो। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को मैंने नोट्स सेंड किए थे, नोट्स में चैप्टर नंबर 5 में प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां पर देखेंगे हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है बच्चों, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000, 40,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। आगे बोल रहा है बेटे, 40,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। आगे बोल रहा है ये, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹45,000, 4,500 रुपए से बैंक अकाउंट स्टार्ट किया है, एक ओपन किया है। बॉट गुड्स फ्रॉम मिस सन एंड एम एस सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200, कुछ सामान खरीदा है एम एस सन एंड कंपनी से 11,200 का। अब वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपसे बोल रहा है, तो आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी है बेटे। अब मेरी बात सुनिए, आप जब भी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी आपको अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब भी आप अकाउंट पढ़ोगे तो आपको ये मान के पढ़ना है कि आप अपने लिए नहीं, आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। आपको ये मानना है कि हम बिजनेस हैं, आप ये बिजनेस मान के चलोगे तो ही आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप मेरे साथ अपने आप को एज्यूम कर लो, हम बिजनेस हैं, हम आप बिजनेस के यहाँ पर काम कर रहे हैं बेटे। अब ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000, 4,500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बेटे। तो 4,500 रुपए से जो बिजनेस स्टार्ट, सॉरी 45,000, 45,000 रुपए से जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इस बिजनेस को स्टार्ट कौन कर रहा है, इसके प्रोपराइटर। तो हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल के लिए। ये देखिए, ये है हमारा बिजनेस, ओके, और ये है इसके प्रोपराइटर। बच्चों, ये इसके प्रोपराइटर है, ये इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। इन्होंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो 45,000 रुपीज से स्टार्ट किया, इन्होंने बिजनेस को दिया 45,000 रुपीज, 45,000 बिजनेस को दिया। अब बताओ बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास सब कैश आया ₹45,000 का, और बिजनेस के पास लायबिलिटी आई यानी कैपिटल आई, जो ओनर से पैसा मिलता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, 45,000 रुपीज की। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड टू टाइम। बेटे एक काम करिएगा आप लोग, आप अपनी नोटबुक का एक फ्रेश पेज निकालिए और उस फ्रेश पेज पे आप ऊपर लिख दीजिए नोट्स। तो मैं बीच बीच में आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बीच बीच में आपको नोट्स लिखाता रहूंगा। तो जब भी कोई नोट्स आए तो आप वहां उस पेज पे लिखिएगा, जो एक साथ सारे नोट्स हो जाएंगे, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं, हाँ, तो ये भी एक नोट मैंने लिखवाया था आपको कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड टू टाइम, हमें दो बार लिखनी होती है। तो देखो, फर्स्ट हमने लिख दिया कैश और सेकंड लिख दिया कैपिटल, कैश और कैपिटल। अब मैं अगर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करूं तो कैसे फॉर्म करूंगा, ये लो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये लीजिए बेटे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां से हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे हम बच्चों पर्टिकुलर, और इसके बाद लिखेंगे हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, पर्टिकुलर के लिए अलग कॉलम बना देंगे बेटे। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डाल देना बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है हमें पर्टिकुलर में। इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर एसेट्स लिखेंगे, और आगे लिखिए एसेट्स के इजी करके वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी,
ये हमारा फॉर्मेट हो गया एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आप देखिएगा बच्चों, अब हम करना स्टार्ट करते हैं यहां से। तो बेटे ये बिजनेस जो स्टार्ट किया है हमने, ये 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, 45,000 से। तो नंबर वन ट्रांजेक्शन में डालूंगा, इसमें कैश आ रहा है और कैपिटल आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे बेटे असेट्स होता है कैश, तो कैश के नीचे असेट्स के नीचे लिखेंगे कैश, और कैश में लिखेंगे हम कितना बच्चों 45,000 इक्वल टू कैपिटल भी कितना आया बच्चों 45,000। बोलो क्या इक्वल हो रहा है? यस सर इक्वल हो रहा है। बेटे सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट रुपीज 4500। बेटे इसी बिजनेस में बैंक अकाउंट ओपन किया है। इस बिजनेस से क्या ओपन किया बच्चों? बैंक अकाउंट ओपन किया है, यानी कि बिजनेस का बैंक अकाउंट, इन लोगों का नहीं बेटे, इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, बिजनेस ने किया है। इस बिजनेस ने, आपको पता है कि हर एक बिजनेस का अपना बैंक अकाउंट होता है, और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, तो वो अकाउंट किसके नाम से होगा? वो अकाउंट बिजनेस के ही नाम से ओपन किया जाएगा। तो जब ये अकाउंट बिजनेस के नाम से ओपन होगा, सपोज करो ये बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है SBI में, ये लो मैं लिख देता हूँ SBI में ओपन हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्या ओपन हो रहा है? बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 4500 से। ये हो रहा है, पैसा जा रहा है बिजनेस में बेटा। 45,000 आया था, मैं सेकंड ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहले तो 45,000 आया था, अब यहाँ से पैसा जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? बैंक में, यानी एक बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। तो बताओ बैंक में जो पैसा जाएगा बेटे, ये बैंक हमारे लिए क्या हमारा पैसा हुआ या किसी और का होगा? अगर हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, वो किसका होता है? वो पैसा हमारा होता है। तो ये जो पैसा होगा ये भी हमारा पैसा होगा, तो हमारा पैसा हमारे लिए एसेट्स होगा या लायबिलिटी, बताइए। बच्चे बोल रहे सर एसेट्स हो, हाँ वेरी गुड बेटे एसेट्स होगा। तो ये 45,000 बैंक में जो आ गया ये हमारा एसेट्स होगा। तो दो टू इवेंट्स क्या हुई यहाँ पर, एक तो बैंक में पैसा गया, बैंक बढ़ा हमारा 4500 से, और हमारा कैश कम हुआ, कैश हमारा कम हुआ 4500 से, क्योंकि हमारे पास कैश ही है, कैश में से 45,000 निकालेंगे हम, तो कैश में से जब 45,000 निकालेंगे, ये देखिए मैं टू सेकंड ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, कैश में से मैंने 4500 को निकाल दिया, 45,000 रुपए का कैश था, 4500 रुपए निकाल दिए, माइनस करते हैं तो हम नेगेटिव यानी ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। उसके बाद हम कैश में से निकाल दिया, हमारे पास दूसरी चीज क्या आएगी, हमारे पास प्लस होगा बैंक, एक एसेट सी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बैंक कितना आ गया हमारा 4500 बैंक में जमा कर दिया। मतलब क्या हुआ बेटे, कैश में से पैसा निकाला और वो पैसा हमने बैंक में डाल दिया, तो कैश में से निकल गया बैंक में चला गया, ये हम कर रहे हैं, ठीक है बेटे। ये बिजनेस क्या हो रहा है, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है SBI के नाम से, बैंक SBI है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को इक्वल करेंगे, तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल करिए बेटे कितना आया बताओ, बेटे 45,000 में से अगर हम 4500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जरा मुझे बताओ बच्चों। 40,500 बचेगा क्या, 40,500 बचेगा क्या? यस सर यही बचेगा, प्लस 4500 इज इक्वल टू 45,000। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी। तो बताओ बच्चों कि यहाँ पे क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है, मुझे बताओ। 40,000 प्लस 500 कितना हो गया 45,000 हो गया, ये कंप्लीट हमारा 40,500 प्लस 4500 और इज इक्वल टू 45,000, यानी दोनों साइडें मैच हो रही है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी सेकंड ट्रांजेक्शन हम करेक्ट हैं। अब चलते हैं बेटे हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन इसमें क्या बोल रहा है देखिए जरा, बॉट गुड्स फ्रॉम Amazon एंड कंपनी रुपीज 11,200। बेटा ये बिजनेस, इसको मैं यहाँ से, इस ट्रांजेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। अब सुनिए ये बिजनेस क्या कर रहा है, सामान परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है, सामान ये Amazon एंड कंपनी से। तो बेटे कितने का सामान परचेज हो रहा है यहाँ पर, 11,200 का। तो बिजनेस ये सपोज करो ये है Amazon एंड कंपनी, ये Amazon एंड कंपनी है बेटे, और यहां से सामान जा रहा है बिजनेस में, और ये सामान कितने का जा रहा है, गुड्स 11,200 का सामान जा रहा है, ठीक है।
11,200 का सामान जा रहा है, और ये 11,200 का सामान कहाँ जा रहा है बच्चों? ये 11,200 का सामान हमारे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है? तो हमारे पास गुड्स आया, क्या बिजनेस के यहाँ से पैसे जा रहे हैं एमएसएनसन कंपनी के पास? बताइए मुझे, क्या हमारे बिजनेस के यहाँ से एमएसएनस एंड कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं? सामान हम यहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है, क्या पैसे जा रहे हैं? सर पैसे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे बेटे? मैंने बताया था आपको, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी पर्सन का नाम आता है तो माना जाता है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि उधार की ट्रांजेक्शन है। बेटे उधार परचेज किया है हमने, हमने उधार परचेज किया है मतलब हमने गुड्स तो हमारे यहाँ आ गए, लेकिन सामान हमारे यहाँ से पैसे नहीं गए, कैश नहीं जाएगा। बेटे कैश नहीं जाएगा तो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या होगी यहाँ पर? सर क्रेडिटर बनेगा। सर हमने उधार परचेज किया है, हमारा क्रेडिटर बनेगा। तो एक तो हमारे यहाँ बेटे स्टॉक आएगा, ये स्टॉक हो गया पहला, और दूसरा बेटे क्या होगा? क्रेडिटर बनेगा 11,200 से, कि हमारे पास जिम्मेदारी आएगी, लायबिलिटी आएगी बेटे, यानी कि हमें बाद में पे करना है। तो क्रेडिटर कितना बन जाएगा हमारा? 11,200। चलो बेटे इसकी ट्रांजेक्शन कर देते हैं। स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लस स्टॉक, और स्टॉक कितना आया बच्चों? 11,200। 11,200 का स्टॉक आया, क्या कैश गया? नो सर, कैश नहीं गया, कैश कुछ नहीं होगा कैश में, तो नो इफेक्ट डालेंगे यहाँ पर, कोई इफेक्ट नहीं। बैंक में कुछ हुआ? नो सर। आगे चलते हैं, नो यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो हटा ही देते हैं। हाँ चलिए टिक लगा दो इस तरीके से, कुछ नहीं है तो हमारा इज इक्वल टू बेटा कैपिटल का फर्क पड़ा? नो सर। सर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई? यस सर। क्या बन गया हमारा यहाँ पर? क्रेडिटर बन गया सर यहाँ पर हमारा, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स के ठीक नीचे बेटा लिख देंगे 11,200, 11,200। बताओ बच्चों क्या समझ में आ रहा है? हमने लिख दिया यहाँ पर 11,200, तो बताओ हमने जो 11,200 लिखा है यहाँ पर, ये 11,200, इससे क्रेडिटर इंक्रीज हो गया हमारा बेटे, और यहाँ पर हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो अब हम इसको फिर से इक्वल करेंगे, और ये हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन थी, फिर से हम इसे टोटल करेंगे, ऐड करेंगे टोटल इसको, तो हम देखेंगे इसको कि ये कितना हुआ, क्या मैच हो रही है अकाउंट इक्वेशन, जरा देखिए बच्चों। 40,500 प्लस 45,000 प्लस 11,200 इज इक्वल टू 45,000, और प्लस हो गया हमारा 11,200। तो बताओ बेटे असेट्स टोटल कितना हुआ? 45,000 ये प्लस 11,000, तो ये हो गया हमारा 65, 65, और ये 66,200। यस या नो बच्चों? 60,000, 62,200 हो गया हमारा। तो टोटल हमारा जो लायबिलिटी आई, हमारा कैश कितना आ रहा है बेटे लास्ट में? कैश आ रहा है सर हमारा, कैश कितना बता बिजनेस के पास बेटे? 40,500, और बिजनेस के पास बेटे बैंक कितना है? 45,000। बिजनेस के पास सामान कितने रुपए का है? 11,200 का। कैपिटल कितना है? 45,000, और यहाँ पर क्रेडिटर कितने हैं? 11,200। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच हो रही है बच्चे, दोनों साइड हमारी बराबर हो रही है, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो बच्चों, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलो फिफ्थ मैं करा देता हूँ, फोर्थ तक आपको, फोर्थ करा देता हूँ, चलिए सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको सेल्फ करने, होमवर्क में लिखिए आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, इसे हम रफ कर देते हैं। चलिए बच्चों हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार ट्राई करके, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कह रहा है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। हरीश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कितने रुपए से? 18,000 से। सबसे पहले बेटे क्या होगा? कैपिटल और कैश 18,000, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 18,000 कैश आ गया और 18,000 हमारी कैपिटल आ गई। ये सेम ट्रांजेक्शन रहती है हर क्वेश्चन में, इसको आप देख लेते ही रहना, एक में कैश आएगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बेटी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। बेटा इसमें फिर से देखो, मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये वही हमारी बिजनेस है,
बिजनेस में हाल ही में सामान परचेस किया है हमने, ये है हमारे मिस्टर जेठालाल, और जेठालाल से हम जब सामान परचेस कर रहे हैं बेटे यहाँ पर, तो गुड्स आ रहा है हमारे पास। और गुड्स कैसे आ रहा है बच्चे? गुड्स आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 7000 का, 5000 का हम उधार खरीद रहे हैं। गुड्स कितने का आ रहा है? 7000 का सामान आ रहा है पूरा हमारा, रुपीज 7000 का, जिसमें से 5000 हम कैश में परचेज कर रहे हैं और 2000 हम क्रेडिट, इसमें लिखा हुआ है, देखिए जरा फिर से, परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000, यानी कि 5000 हम उधार खरीद रहे हैं, सॉरी कैश में खरीद रहे हैं, और 2000 का हम क्रेडिट खरीद रहे हैं। तो बेटे जो हम उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, इससे हम पैसे नहीं देंगे और इससे हमारे पैसे जाएंगे। तो जरा देखो हमारे पास सामान कितने का आएगा, स्टॉक कितने का आएगा, 7000 का। हमें टू रिकॉर्डिंग करनी है, टू टाइम, तो हमें 7000 की टू टाइम रिकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम स्टॉक बढ़ा देते हैं, स्टॉक ये रहा हमारा, और सेकंड ट्रांजेक्शन के नीचे लिख देते हैं स्टॉक में 7000। स्टॉक बढ़ा दिया बेटे, बेटे पैसे कितने गए हमारे? ओनली 5000। तो सर 5000 हम यहाँ से कम कर देंगे, 5000 हमारा कैश चला गया। बेटे क्या 2000 रुपए का रुपया गया हमारे पास से? नो सर, 2000 रुपए तो उधार खरीदा है, यानी कि जेठालाल का नाम लिख दिया जाएगा, यानी क्रेडिटर बन गए बेटे। कितने रुपए के? 2000 के। तो लिख देंगे हम यहाँ पर क्रेडिटर में, 2000 के क्रेडिटर हो गए हमारे। बेटे यूकल करेंगे अभी से हम, तो 18000 में से 15000 जाएगा, तो 13000 बचेगा बेटे यहाँ पर। प्लस बैंक में अभी कुछ नहीं है, बैंक तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए लिख दिया है। स्टॉक 7000 हो गया हमारा, और इज इक्वल टू कैपिटल 18000 है बच्चों हमारे, और लायबिलिटी हमारी 2000 है। बताओ क्या इक्वेशन मैच हो रही है हमारी? जरा देखो 13000 और 7000 20000 हो गया, इज इक्वल टू 18 और 2 20000। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है यहां तक हमारी। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए बच्चों, आगे कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000 कॉस्टिंग 24000। सुनिए बेटे यही सेम, फिर से मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये हमारा बिजनेस है बेटे। अभी बिजनेस ने परचेज किया था, अब बिजनेस सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, सोल्ड। और सोल्ड किसको कर रहा है? सोल्ड कर रहा है इसको, ये कौन है? चंपा, चंपा को सोल्ड कर रहा है बेटे, ये चंपा है, चंपा को सामान बेच रहा है। तो चंपा को जो सामान बेचा जा रहा है बेटे, वो सामान जो बना के तैयार किया गया था, जो सामान परचेस किया था उस टाइम पर जब पड़ा था वो, तो वो सामान पड़ा था 2400 का, 2400, 2400 रुपए का ये सामान की कॉस्ट थी, ये कॉस्ट। और जब सामान बेचा जा रहा है तो सामान बच्चों बेचा जा रहा है 4000 में, और सोल्ड कितने में हो रहा है? 4000 में। तो ट्रांजेक्शन कितने से रिकॉर्ड हो गई है? 4000 से सर, यानी 4000 की टू टाइम रिकॉर्डिंग होगी, यानी 4000 रुपए का सामान बेचा जा रहा है। सेल्स कितने की मानी जाएगी? सर सेल्स 4000 रुपए की मानी जाएगी। अब बेटे बात करते हैं, जब 4000 की रिकॉर्डिंग होगी तो सबसे पहले सेल हो रही है 4000 रुपए की, और क्या इसमें नाम आ रहा है? देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटे कैश में बेचा है, नगद बेचा है, तो 4000 रुपए आएंगे। एक ट्रांजेक्शन हमारी ये हो जाएगी कैश की, यानी कैश में 4000 रुपए आ जाएंगे। जब बेचेंगे हम तो चंपा हमें 4000 रुपए देगी, हमारे पास से सामान जाएगा, चंपा हमें पैसे देगी, हमें चंपा कितने रुपए देगी? 4000। बेटे हमने सामान कितने का दिया? 2400 रुपए का, यस या नो? 2400 का सामान जा रहा है, 4000 हमारे पास आ रहे हैं। तो बेटे सामान जितने की कॉस्ट है, इतने से जितने ज्यादा हमें बेच रहे हैं हमारी, वो क्या हो जाएगी? वो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। तो बच्चों 1600 की क्या हो गई यहाँ पर? प्रॉफिट हो गई, ये हमने कमा लिया इतना, हमारी प्रॉफिट हो गई। तो बेटे एक तो ये रिकॉर्डिंग होगी और एक रिकॉर्डिंग इनकी होगी, यानी 4000 और 4000, टू टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले 4000 रुपए कैश में आएगा, तो मैं थर्ड ट्रांजेक्शन में 4000 रुपए कैश में इंक्रीज कर दूं। बेटे स्टॉक कॉस्ट हमारा 2400 रुपए का सामान हमारा जाएगा बिजनेस में से जब हम बेचेंगे, तो स्टॉक में से 2400 माइनस हो जाएगा बच्चों। बेटे 1600 की प्रॉफिट है, मैंने बताया था आपको, अगर प्रॉफिट होती है तो कैपिटल में ऐड होता है, और लॉस होता है तो कैपिटल से लेस होता है। आप लिख लीजिए इसमें नोट्स वाले पेज पे, ऑल प्रॉफिट्स एड इन कैपिटल एंड ऑल लॉस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, राइट? सारी प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल में ऐड होती हैं और लॉसेस हमारे कैपिटल से माइनस होते हैं, लिख देना इस चीज को। चलिए बेटे तो अब हम क्या करते हैं, 1600 को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो 1600 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया।
अब हमारी देखिए टू टाइम रिकॉर्डिंग होगी, वन टाइम 4000 की ये हो गई और सेकंड टाइम ये हो गई। ये नहीं देखना कि ऐड कितना हुआ है, लॉस कितना, लेस कितना किया है हमने, हमें टू टाइम रिकॉर्डिंग करनी है सिर्फ। तो 4000 और 2400 और 1600, 4000, 2400, 1600, 4000 और 4000, टू टाइम रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारी। अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन मैच हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए 7000 में से 2400 को माइनस करो बेटे तो 4600 बचेगा। यस या नो? 4600 बचा बेटे। अब आते हैं हम यहां पर इज इक्वल टू 18000 में इसे ऐड कर दो तो 19600 और प्लस 2000, ये हमारा क्रेडिटर चला आ रहा है। बच्चों बताओ जरा मुझे कि क्या अकाउंट इक्वेशन मैच हो रही है। सर देखते हैं अभी 17000 प्लस 4000 21600 नया पॉइंट आया है। जरा देखिएगा इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझिएगा, नया पॉइंट है बेटे। नेक्स्ट देखो हमारी जो बिजनेस है ये बिजनेस ने एक हॉल किराए पे लिया था बेटे, और वो किससे लिया था? चंपा से। एक हॉल किराए पे लिया था और वो हॉल जो किराए पे लिया था बच्चों, वो हॉल किराए पे जो लिया था उसका रेंट देना था हमें 1200 रुपए पर मंथ। ओके बेटे, यानी चंपा को जो रेंट पे करना था हमें, वो रेंट कितना पे करना था? 1200 रुपीज पे करना था। अब क्या होता है जो 1200 रुपए पे कर रहे हैं इसमें से हम चंपा को 1000 रुपए तो पे कर रहे हैं अभी, और बाकी हम 200 रुपीज अभी पे नहीं कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है। बोलो क्लियर हो रहा है? आउटस्टैंडिंग नहीं, जो पे नहीं कर रहे हैं, जो पे कर दिया वो तो पे कर दिया, लेकिन जो पे नहीं कर रहे वो आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा। बताओ बेटे खर्चा कितना माना जाएगा, 1200 या 1200? बोलो कितना खर्चा माना जाएगा, 1200 या 1200? सर 1200 माना जाएगा क्योंकि हम एक्रुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, यानी कि अगर 1200 खर्चा हुआ है तो 1200 खर्चा हो गया, भले ही आपने पे किया है या नहीं किया, पे भले ही बाद में कर देना बेटे, लेकिन खर्चा तो पूरा हमारा 1200 का हो गया। तो अब देखिए जरा 1200 का पूरा खर्चा हो गया हमारा बेटे। तो मैंने आपको बताया था, आप याद करो, ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, सारे खर्चे लिख लो नोट्स में, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एंड डिडक्ट फ्रॉम कैश इफ पेड, डिडक्ट फ्रॉम कैश इफ पेड, अगर पे किया है तो ही कैसे डिडक्ट होगा। सिंपल सी बात आप सोचो, आपको रेंट पे करना था, मुझे आपने मुझे 1200 रुपए देने थे, आपने मुझे 1000 दिए, 200 भी नहीं दिए, तो वो तुम्हारे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया। जब आपने 200 नहीं दिए तो 200 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आपका कैश कितना कम होना चाहिए? सर 1000। सर खर्चा कितना था? सर पूरा 1200। तो बेटे कैपिटल से तो एक्सपेंस माइनस होता है, तो हम 1200 कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं फोर ट्रांजेक्शन को, जरा मेरे साथ साथ करिए। तो हम पहली ट्रांजेक्शन यानी कैपिटल को हम 1200 से माइनस कर देते हैं। ट्रांजेक्शन 1200 की है, हमें 1200 की टू टाइम रिकॉर्डिंग करनी होगी। हमने 1200 रुपए कैपिटल से माइनस कर दिया, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, लेकिन कैश से कितना माइनस होगा? जो पार्ट हमने कैश में पे किया, तो कैश में कितना पे किया है सर हमने? 1000। तो कैश से हमने 1000 माइनस कर दिया। प्रैक्टिकल सी बात है, जितना कैश पे करेंगे उतना ही तो कैश कम होगा। चलिए लेकिन 200 का क्या होगा सर? यहां पर एक ट्रांजेक्शन इसकी और एक ट्रांजेक्शन इसकी, बताओ बेटे आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है? अगर तुमने मुझे पैसे पे नहीं किए तो तुम्हारे लिए वो क्या है? सर लायबिलिटी, लायबिलिटी है बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा, क्योंकि जब हम आप मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से देखोगे तो मुझे याद करोगे, तो ये लायबिलिटी है आपकी। यस या नो? आपको पे करना है तो कहां जाना चाहिए बच्चों? ये लायबिलिटी में जाना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिटर के साथ में लिखेंगे यहां पर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट में यहां लिख देंगे बच्चों कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट? 200।
200 आउटस्टैंडिंग रेंट हमने लिख दिया। ओके बेटे, अब हमने 200 जैसी आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करा देंगे। तो हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए अभी यहां से। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच कराते हैं, देखते हैं मैच होती है या नहीं होती है। बच्चों देखिए, सेवनटीन थाउजेंड में से 1000 कैश किया तो 16,000 हमारे पास कैश बचा, 4,600 का हमारे पास स्टॉक बचा, इज इक्वल टू कैपिटल हमारे पास बेटे कितने की बची बताओ मुझे जरा, 18,400 प्लस 2,000 हमारे पास क्रेडिट चल रहे हैं, प्लस 200 हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो बेटे क्या मैच हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन, 16,000 प्लस 4,000 20,600 और यहां देखिए बेटे 20,600 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच हो रही है। तो लास्ट में हम क्या बता सकते हैं, बिजनेस के पास क्या है, कैश कितना है बेटे बिजनेस के पास, सर 16,000 कैश है बिजनेस के पास, स्टॉक कितना है 4,600 का, ओके कैपिटल कितनी है 18,400, लायबिलिटी कितनी है जो पे करनी है बेटे क्रेडिटर 2,000, सर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 200। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा बैलेंस शीट शो कर रहा है बेटे, ये हमारा लास्ट में ये ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं हमारी, हमारी बिजनेस की क्या स्थिति है, ये हमारे बिजनेस की स्थिति बता रही है कि पैसा कितना है, स्टॉक कितना है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितनी है। अंडरस्टैंड बेटे, चलिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब फिफ्थ होमवर्क में करेंगे आप लोग, सिक्स हम करके देखते हैं एक बार, चलो सिक्स भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, सेवन भी होमवर्क में करेंगे आप लोग, एट क्वेश्चन हम करते हैं, आठवां क्वेश्चन बच्चों हम यहां पे करेंगे, तो मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं, हम लोग आठवां क्वेश्चन करेंगे अभी बेटे। चलिए बच्चों हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये बेटे, आठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें देखिए जरा मेरे साथ साथ, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। बेटे कमेंस का मतलब स्टार्ट करना ही होता है, तो मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने से बेटे 50,000 रुपए से, तो बताओ कैश कितना आया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों, सर कैश आया 50,000, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 50,000 लिखेंगे और बेटे कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर 50,000, तो कैपिटल भी हमारी 50,000 हो गई, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। बोलो यस या नो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, उसने स्टार्ट किया है बिजनेस को 50,000 रुपए से, तो कैश 50,000 और कैपिटल 50,000। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें बेटे, आगे लिखा हुआ है इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश, बेटे परचेज कर रहा है गुड्स वो कैश में, कितने का बेटे 30,000 रुपए का, तो बताओ जब गुड्स परचेज करेगा कैश में, फिर से मैं एक एग्जांपल देने के लिए हम बिजनेस बना देता हूं, ये लो ये बिजनेस है हमारा और ये हमारा वही सेम एग्जांपल, ये कौन थे हमारे जेठालाल, अब बिजनेस हमारा जेठालाल से सामान परचेज कर रहा है, कितने का गुड्स आ रहा है हमारे पास रुपीज, कितने का आ रहा है बच्चों गुड्स हमारे पास रुपीज 30,000 का, 30,000 रुपए का सामान आ रहा है बेटे, क्या कैश जा रहा है, यस सर कैश में परचेज कर रहा है, लिखा हुआ है इसमें कैश जा रहा है 30,000, तो बेटे सामान आया पैसा गया, स्टॉक और कैश में रिलेट करेंगे ये ट्रांजेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सर कैश के पास, कैश कितना गया हमारा 30,000, सेकेंड ट्रांजेक्शन में 30,000 हमारा कैश चला गया और हमारे पास स्टॉक आ गया 30,000, तो यहां लिख देंगे 30,000। बोलो यस या नो, चलिए बच्चों अब ये 30,000 जैसे हमने लिखा, अब इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करा देंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और इसको हम मैच कराएंगे, तो देखिए बेटे ये कितना हो गया हमारा 30,000, इसमें से माइनस करो तो हमारा बचा यहाँ पर सर 20,000 कैश बचा हमारे पास, क्योंकि सामान परचेज कर लिया हमने 30,000 का, देखो 30,000 का सामान आ गया, अभी 30,000 कैश चला गया, इज इक्वल टू 50,000, क्या सर मैच हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन, यस सर ये तो मैच हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है,
आगे कह रहा है बच्चों ये परचेज गुड्स फॉर कैश हो गए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपए का। बेटे वही अब ये फिर से सामान परचेज कर रहा है, जब ये सामान परचेज कर रहा है तो फिर से गुड्स आ रहा है, लेकिन गुड्स इस बार कितने का आ रहा है 20,000 का बेटे। और इस बार कैश जा रहा है क्या? कैश नहीं जा रहा। नो, जब कैश नहीं जा रहा तो बेटे जेठालाल का नाम आएगा और जेठालाल कौन बन जाएंगे? हमारे क्रेडिटर। और ये लायबिलिटी होती है बेटे, तो 20,000 का गुड्स आएगा हमारे पास। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में हम यहाँ क्या लिखेंगे? गुड्स आया हमारे पास 20,000 का, स्टॉक तो आ गया लेकिन पैसा नहीं गया। क्या बना हमारा? क्रेडिटर बना बेटे। कितने का? 20,000 रुपीज का। बोलो यस या नो? यस सर, ये तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए, अभी सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए आगे बोल, इसको बेटे ऐड कर देते हैं 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000। देखिए बेटे 70,000 प्लस 70,000 क्या मैच हो रहा है? यस सर, बिल्कुल मैच हो रहा है सर ये। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो वह आगे बोल रहे हैं बेटे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 20,000 सॉरी 12,000 बेटे 10,000 का सामान। अब यही बिजनेस बेच रहे हैं आगे, बेचना किसको था? चंपा को। तो ये लो बेटे चंपा बना दी मैंने, तो चंपा को बेच रहा है, तो ये कितने का बेच रहा है बेटे? 10,000 रुपए का गुड्स कॉस्ट। और कितने में जा रहा है? सोल्ड 12,000, 12,000 में बेच रहा बेटे, तो 2,000 का क्या हो गया हमें? प्रॉफिट। तो रिकॉर्डिंग है किसकी होगी और ये किसकी होगी? सोल्ड कर रहा है बेटे 12,000 रुपए में। किसको सोल्ड कर रहा है? चंपा को सोल्ड कर रहा है बेटे। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कैश में कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है, इसमें बेटे चंपा का नाम नहीं आ रहा, ट्रांजेक्शन में चंपा का नाम नहीं आ रहा, ये तो हमने एग्जाम्पल में लिख दिया है सिर्फ, तो हम मानेंगे कैश में जा रहा है। तो सोल्ड हो रहा है 12,000, तो इसके पास क्या आएगा? कैश आएगा, पैसा आएगा, सामान जाएगा। सामान कितने का जाएगा? 10,000 का। और 2,000 की प्रॉफिट हो गई, तो प्रॉफिट कहां ऐड होगी बेटे? कैपिटल में। प्रॉफिट कहां ऐड होती है? हमारी कैपिटल में। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? थर्ड ट्रांजेक्शन में लिखिए, फोर्थ ट्रांजेक्शन सॉरी लिखिए आप यहां पर मेरे साथ साथ बेटे। यहां पर पैसा कितना आया सर? 12,000 बेटे। सामान कितने का गया सर? ओनली 10,000 का सामान गया सर। प्रॉफिट कितनी हो गई सर? 2,000 की प्रॉफिट हो गई, तो उसको कैपिटल में ऐड कर दिया। तो ये कैपिटल में ऐड हो गया, ये सामान में से लेस हो गया क्योंकि इतने का सामान चला गया, और ये हमारे पास कैश आ गया क्योंकि इतनी की सेल हुई है। चलो बेटे अब इसको अकाउंट इक्वेशन को मैच करा देते हैं। चलिए बच्चों मैच कराइए, बताइए कितना लिखना है हमें। हम लिखते हैं इसको मैच कराने के बाद यहां पर, तो ये हो गया हमारा बेटे 32,000, ये हो गया बच्चों हमारा 40,000, और ये हो गया बच्चों हमारा इज इक्वल टू 52,000 और प्लस 20,000। तो बेटे 72,000, और यहां देखिए यहां भी 72,000, क्या मैच हो रहा है बच्चों? यस सर, यस मैच हो रहा है। ये तो कमाल हो गया सर, जादू हो गया, ये तो मैच हो रहा है। यस बेटा, यस जादू हो गया, ये मैच हो रहा है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, आगे और जादू करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000 बेटे 2,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से परचेज करने के लिए हम जेठालाल को हटा देते हैं बेटे यहाँ से, और यहाँ बना देते हैं हम किसको? हम बना देते हैं यहाँ पर ये लो, ये बना दिया हमने यहाँ पर बताओ इसका नाम क्या रखा जाए, इस इंसान को क्या नाम दूं? इस इंसान को बताओ मैं क्या नाम दूं? इसको नाम दिया मैंने रजनीकांत। ये है बेटे रजनीकांत, मिस्टर रजनीकांत। इनका नाम रजनीकांत क्यों दिया है? क्योंकि बच्चों इनसे हम बहुत सारे काम एक साथ कराएंगे, इनसे हम बहुत सारे काम कराएंगे, और बहुत सारे काम कौन कर सकता है बताइए? सिर्फ रजनीकांत। तो हम इनसे बहुत सारे काम कराने वाले, इसलिए इनका नाम हमने रजनीकांत रख दिया। ओके चलिए बेटे अब क्या हुआ, ये बिजनेस मिस्टर रजनीकांत से एक फर्नीचर परचेज कर रहा है। फर्नीचर कितने रुपए का परचेज कर रहा है बच्चों? फर्नीचर ये परचेज हो रहा है सर 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपए का। बताओ बच्चों ये 2,000 रुपए का जो फर्नीचर है, इसके बदले रजनीकांत को बिजनेस क्या दे रहा है? कैश दे रहा है 2,000 का, कैश भी जा रहा है। ओके बेटे, फर्नीचर आ रहा है और कैश
जा रहा है. सॉरी 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 कैश नहीं जा रहा, उधार परचेज है बेटे, उसमें क्रेडिट लिखा हुआ है, उसमें क्रेडिट परचेज है. तो 2000 रुपए का फर्नीचर आ रहा है और ये क्रेडिट से जा रहा है. बताओ बेटे ये फर्नीचर जो आ रहा है क्या ये स्टॉक में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या इसे स्टॉक में लिखेंगे? नो नो बेटे नो, ये स्टॉक में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए एसेट्स है. ये तो सही है, ठीक है, एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स होता था, लेकिन बेटे फर्नीचर को खरीदने बेचने का बिजनेस का काम नहीं है. और जो सामान बिजनेस अपने यूज करने के लिए परचेज करता है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता. यानी कि अगर फर्नीचर परचेज हो रहा है तो फर्नीचर बेचेगा थोड़ी नहीं, वो गुड्स परचेज हो रहा था तो गुड्स बेच भी रहा था बिजनेस. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फर्नीचर जो परचेज किया है बिजनेस ने अपने यूज करने के लिए परचेज किया है. तो ऐसा आइटम, ऐसा सामान जो बिजनेस अपने यूज करने के लिए खरीदता है उसको हम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लिखते. तो यहाँ ये गुड्स नहीं माना जाएगा, इसकी अपने नाम से एंट्री होगी. तो हम लिख देंगे एसेट्स में, एसेट्स तो जरूर होगा बेटे, एसेट्स में लिखेंगे यहाँ पर, प्लस करेंगे स्टॉक के साथ फर्नीचर. बेटे फर्नीचर लिख दिया हमने, बताओ फर्नीचर कितने का आया बेटे? सर 2000 का फर्नीचर आया बेटे. ठीक है 2000 का फर्नीचर आ गया, हमने एक रिकॉर्डिंग कर दी फर्नीचर की. दूसरा क्या कैश गया? नो सर कैश नहीं जा रहा, उधार परचेज किया है. तो क्या रजनीकांत का नाम लिखेंगे? यस सर रजनीकांत का नाम लिखेंगे. रजनीकांत कौन है? हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे. तो बेटे बताओ यहाँ पर क्रेडिटर कितने हो गए हमारे? और तो क्रेडिटर पहले से 20,000 चल रहे हैं, तो 2,000 की और क्रेडिटर में ऐड कर दिए जाएंगे बेटे. तो ये भी क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर. बेटे यहाँ पे अलग अलग क्रेडिटर को, हर एक क्रेडिटर को अलग अलग नाम से नहीं दिखाते हम, सिंगल एक हेड में ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है क्रेडिटर, और ऑल टाइप के क्रेडिटर्स को हम इसी में ऐड करते जाते हैं. ठीक है बेटे, तो क्रेडिटर 2000 के हो गए यहाँ पर, और ये ट्रांजेक्शन हमारे फिफ्थ ट्रांजेक्शन. बच्चों इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं बेटे इसको. चलिए चलो बच्चों 32,000 हो गया यहाँ पर, प्लस 40,000 चल रहा है हमारा स्टॉक, प्लस फर्नीचर हो गया 2000 इज इक्वल टू 52,000 हमारा कैपिटल चल रहा है, प्लस क्रेडिटर हो गया हमारा 22,000. देखो बेटे क्या मैच हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन? यस सर बिल्कुल, 74,000 और प्लस 52,000 दोनों साइड में बेटे मैच हो रही है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है बेटे, पेड कैश टू क्रेडिटर. अब सुनो बेटे ध्यान से, अब ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा पे कर रहा है वो. बताओ अगर क्रेडिटर को पैसा पे किया जाएगा तो क्या होगा? बताओ ये हमने क्रेडिटर लिख रखा है बेटे, ये हमारा क्रेडिटर है 3,000 रुपए का, और हमारा पैसा यहाँ है, ये पैसा रखा हुआ है और ये क्रेडिटर है. अब मैंने इस पैसे में से इस क्रेडिटर को पे कर दिया, तो बताओ क्रेडिटर कम होगा जब मैं क्रेडिटर को पैसे पे करूंगा या क्रेडिटर बढ़ेगा? सर कम होगा, जब क्रेडिटर को पैसे पे करेंगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा हमारा. तो वही चीज यहाँ पर है. अब देखो क्रेडिटर को कितना पैसा पे किया, 15,000. तो चलिए बेटे सिक्स ट्रांजेक्शन में पैसा कितना कम होगा हमारा? 15,000, क्योंकि क्रेडिटर को पे कर दिया. और यहाँ से क्रेडिटर भी कितना कम हो जाएगा बेटे? 15,000 का क्रेडिटर कम हो गया क्योंकि पेमेंट कर दिया हमने क्रेडिटर को. बताओ बेटे क्या समझ में आया ये? बेटे 22,000 रुपए का ऐसा इंसान थे जिनको हमें पे करना था, हमारे पास कैश था 32,000, हमने सोचा इसमें से 15,000 रुपए क्रेडिटर को पे कर देते हैं तो हमारा कुछ कर्जा कम हो जाएगा. तो बताओ कर्जा कहां है हमारा? 22,000 रुपए का कर्जा है हम पर ही, तो हमने कर्जा कम कर दिया 15,000 रुपए कैश पे करके, तो कैश चला गया और कर्जा भी कम हो गया. समझ में आ गया बच्चों? चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं आगे के लिए. बताओ बेटे 32,000 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा? क्रेडिटर कितने हमारे पास बताओ? 7,000 के सर, 7,000 रुपए के अभी भी हमारे पास क्रेडिटर बचे हुए हैं. अब बेटे टोटल करके देखें क्या, देखो 40,000 और ये 57,000 और 2,000 कितने हो गए?
59,000 यहां ऐड करो, 59,000 दोनों साइडें मैच हो रही है बच्चों, अभी भी देख लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट कह रहा बेटे सैलरी पेड 1,000। बताओ बच्चों सैलरी हमारा क्या है, हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारा एक्सपेंस हो गया, तो ऑल एक्सपेंस बेटे पेड है, तो अगर ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, डिडक्ट तो होगा ही होगा कैपिटल से चाहे पेड हो या न हो, लेकिन अगर पेड है तो कैसे भी डिडक्ट हो जाएगा, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल इफ पेड और नॉट, ओके, बट ओनली डिडक्ट फ्रॉम कैश इफ पेड। कैसे कब डिडक्ट होगा, अगर पे किया है तो, अगर पे नहीं किया तो कैसे डिडक्ट नहीं होगा, वो आउटस्टैंडिंग के नाम से लिख दिया जाता है। क्लियर बच्चों, तो यहां तो पे हो रहा है, तो जब हम सैलरी पे कर रहे हैं किसी को तो 7 ट्रांजैक्शन में हमारे यहां से जब सैलरी जाएगी तो कैश कम होगा 1000 रुपए से, और कैपिटल से क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल से हमारा कम हो जाएगा। तो बेटे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करते हैं हम, देखिए बेटे तो ये कितना बचा बेटे हमारे पास, 16,000 का कैश बचा हमारे पास, 40,000 का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 2,000 का हमारे पास फर्नीचर है, और 51,000 हमारे पास कैपिटल है, प्लस 7,000 की भी हमारे पास लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है बेटे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, हमारे बिजनेस की आज की पोजीशन क्या है, 16,000 हमारा कैश रखा हुआ है, 14,000 हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 2,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 51,000 का हमारे पास कैपिटल है, एंड 7,000 का हमारे पास लायबिलिटी है, यानी ये हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर है हमारे पास। बेटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों 9th, 10th और 11th आप लोगों को होमवर्क में कर रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए होमवर्क वाले क्वेश्चंस में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए होमवर्क वाले क्वेश्चंस में तो आप मुझे मैसेज करिए कि सर ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आई, ये ट्रांजेक्शन हमारी समझ में नहीं आई, या कॉल करके मुझसे पूछिए, या आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों अभी आपको जो होमवर्क में दिया है आप इसे पक्का करेंगे, और ये फिफ्थ चैप्टर हमारा, फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अभी हम देखते हैं जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए थे, अभी हम 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 12वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, देखिए मेरे साथ साथ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, वही सेम पुराना 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैश आया बेटे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 10,000, इसके साथ साथ कैपिटल भी आया बेटे 10,000, सेम बेटे 10,000 कैश आया और 10,000 का कैपिटल आया यहाँ पर। इसके बाद बच्चों ये बोल रहा है पेड रेंट इन एडवांस 300 रुपए, बेटे एडवांस में पे कर दिया, बताओ अगर मैं एडवांस में किसी को पे कर दूं, अभी मेरा खर्चा भी नहीं था मैंने फिर भी पे कर दिया, बोलो मैं एडवांस में पे कर रहा हूं तो क्या वो मेरा खर्चा है, अगर मैं किसी को एडवांस में पे कर रहा हूं तो अभी खर्चा नहीं है लेकिन एडवांस में पे कर रहा हूं तो ये मेरा उस पर एसेट्स हो गया, ये एसेट्स माना जाएगा, इसे बोलते हैं पेड इन एडवांस या प्री पेड रेंट। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो इसे बोला जाता है प्री पेड रेंट, यानी कि सपोज करो मुझे आपको, मैं आपको रेंट पे करता हूं, मैंने आपका रूम किराए पे ले रखा है और मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए पे करता हूं, अब क्या हुआ मैंने इस महीने आपको अगले महीने का भी पे कर दिया, तो बेटे मेरा खर्चा तो इस महीने का था सिर्फ, और मैंने इस महीने की जगह मैंने अगले महीने का भी पे कर दिया, तो ये प्रीपेड हो गया, तो अगले महीने का जो पे किया ये मेरे लिए एसेट्स माना जाएगा, क्योंकि ये मेरा अभी मैंने इसको यूटिलाइज नहीं किया, मैंने सर्विस नहीं ली, पहले से पहले ही पे कर दिया, तो इसलिए प्रीपेड रेंट हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि रेंट नहीं कुछ भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट्स होते हैं बेटे, तो ये हमारा खर्चा तो है नहीं प्रीपेड रेंट, जब खर्चा नहीं है तो कैपिटल से लेस तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने पे कर दिया तो कैश तो कम होगा, बोलो जब हमने रेंट पे किया है पहले से ही पे कर दिया तो कैश तो जाएगा जब हम पे कर रहे हैं, तो
तो यहां से कैश हमारा कितना कम हो जाएगा बेटे, कितना प्रीपेड रहते 300, तो 300 हमने पे कर दिया, तो 300 हमारा पैसा कम हो गया। अब बेटे ये असेट्स है क्योंकि हमने पे नहीं किया, हमारा अभी ये खर्चा नहीं हुआ है, तो बेटे इसका नाम आ जाएगा यहाँ पर प्रीपेड रेंट के नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 300, यानी यहां से लेस हो गया क्योंकि कैश तो कम हो गया हमने पे कर दिया तो, लेकिन ये खर्चा नहीं था इसलिए कैपिटल से लेस नहीं होगा, कहाँ आ जाएगा असेट्स नहीं प्रीपेड रेंट के नाम से लिख दिया जाएगा और ये प्रीपेड रेंट हो गया बेटे। तो हम पहले से अगर पे कर रहे हैं एडवांस में तो ये हमारे लिए असेट्स बन जाता है बच्चे, ठीक है। चलो अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करा दें क्या? यस सर बिल्कुल मैच हो गई है, देखिए जरा यहाँ बचा कितना बेटे 9700 कैश बचा प्लस प्रीपेड रेंट 300 इज इक्वल टू कैपिटल कितनी हमारी 10000। ये लो बच्चों ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच हो गई, प्लस लायबिलिटी अभी है ही नहीं हमारे पास। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000। बेटे 5000 का हमने उधार खरीदा है, कैश में खरीदा है एंड 2000 का उधार खरीदा है, तो बेटे जो कैश में खरीदा है 5000 का उसका तो कैश जाएगा 5000 रुपए का, तो 5000 रुपए कैश चला गया, और जो उधार खरीदा है बेटे इसकी लायबिलिटी बनेगी, क्रेडिटर बन गए हमारे प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर्स हमारे 2000 के हो गए बेटे, 5000 का उधार खरीदा कैश कम हो गया, 2000 का हमारा क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी बन गई बेटे। अब हमारे पास सामान कितने का है बेटे स्टॉक, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक बेटे, स्टॉक तो चाहे उधार खरीदा हो चाहे नगद खरीदा हो दोनों का स्टॉक हमारे पास आएगा, 5000 का उधार नगद खरीदा है और 2000 रुपए का उधार खरीदा है, तो टोटल 7000 रुपए का सामान हमारे पास आया, तो स्टॉक में कितना लिख लिया जाएगा हमारा 7000। देखिए बेटे टू टाइम रिकॉर्डिंग हो गई, 5 और 2 7 और 7, टू टाइम रिकॉर्डिंग कर दी हमने, और इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हम मैच कराएंगे। ये लीजिए कैश कितना बचा बेटे हमारे पास बताइए, 5000 हम माइनस करेंगे इसमें से, तो 4700 कैश बचा, प्लस 300 रुपये हमारे पास प्रीपेड रेंट के हैं, प्लस 7000 रुपये का स्टॉक है हमारे पास, 10000 रुपये की कैपिटल है, प्लस 2000 रुपीज़ के क्रेडिटर है हमारे पास, तो हमारा देखते हैं 7 4 11 और एक 12000 हो रहा है, यहाँ भी 12000 हो रहा है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच हो रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं बेटे, परचेज गुड्स फॉर कैश ये हो गया हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 कॉस्टिंग 4000 बेटे, 4000 रुपए का सामान जरा देखो कॉस्ट थी 4000 सेल कर दिया 8000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटे 2000, तो प्रॉफिट 2000 बताओ प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर कैपिटल में, तो 2000 कैपिटल में ऐड हो गया, कॉस्ट 4000 रुपए का सामान है तो स्टॉक से 4000 रुपए लेस हो जाएंगे, बताओ सोल्ड 8000 रुपए में हुआ है तो कैश कितना आएगा हमारे पास, कैश आएगा हमारे पास 8000 बेटे, कैश में बेचा है ना तो 8 तो नहीं बेचा ना, हाँ बेटे कैश में ही बेचा है, तो 8000 रुपए हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे। ये लीजिए 4 ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें ऐड करते हैं बेटे 12700 300 और सामान कितने का बचा हमारे पास सब 3000 का बेटे, इज इक्वल टू 12000 और प्लस 2000, तो देखिए बेटे कितना हुआ हमारे पास ये 13000, 13 और 3 कितना हो गया बेटे, ये हमारे पास 13000 तो ये हो गया, और 13000 और 3000 कितना हो गया 16000, 8000 रुपए का सामान आया हमारे पास, तो 12700 हो गया, 3000 रुपए का हमारे पास कैश आया है। ओ माय गॉड यहां गलती हो रही थी, ये देखो कॉस्ट 4000 रुपए का था, सोल्ड 8000 में हुआ है बेटे, 4000 का प्रॉफिट है, 4000 का इसे सही करिए बच्चों, 4000 का प्रॉफिट है यहाँ पर, 4000 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये कितना हो गया 14000 हो गया सर, 14000 और 2000 कितना हो गया 16000, और यहाँ देखिए अब इसको 13000 और 3000 16000 बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई हमारी, यस सर यस मैच हो गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें,
आगे लिखा हुआ है बच्चों पेड सैलरी, सैलरी पे की है 450 की एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपए। बेटे ये देखो, ये बिजनेस और इसने सैलरी पे की, ये मजदूर है, इसमें एम्प्लॉय है, सॉरी मजदूर मत बोलो, एम्प्लॉय बोलो, इसको सैलरी पे करनी थी बेटे 550, ये पे करनी थी, लेकिन इसमें से 450 तो पे कर दी और अभी 100 रुपए पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों खर्चा तो पूरा 550 का हो गया, तो कैपिटल से पूरा 550 लेस हो जाना चाहिए जब खर्चा हो गया तो। यस सर। बेटे कैश कितना जा रहा है, ओनली 450, तो कैश में से 450 माइनस हो जाना चाहिए बेटे। 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है अभी पे नहीं की, तो बेटे लायबिलिटी बनेगी और यहां डाल देना चाहिए हमें प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और यहां लिख देना चाहिए बेटे 100 रुपीज। बोलो यस या नो, 100 रुपीज हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी। देखो रिकॉर्डिंग कंप्लीट, 550 और 100 और 450, यानी 550 की रिकॉर्डिंग 2 टाइम। चलिए बच्चों अब इसको हम रफ कर देते हैं और इसको हम टोटल करते हैं, 100 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 2000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब बेटे 14000 में से 5050 माइनस कर दो तो कितना बचा बताइए मेरे बच्चों। तो सर ये बचा हमारा यहां पर 13450। बोलो बेटे 13450 बचा हमारे पास। अब इधर आ जाओ, यहां पर 3000 का हमारे पास स्टॉक चल रहा है, प्लस 300 हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, प्लस कैश हमारे पास बताओ बच्चों कितना बचा, 700 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 250, 12250 बचेगा क्या बताओ बच्चों। यस सर, 12250। बेटे देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही है क्या, 12250 प्लस 3000, 15250 प्लस 300, 15550, यहां देखिए 13, 450 and 100, 55, 50, और इस बिजनेस में एक मोटरसाइकिल परचेज किया बेटे, क्या परचेज कर ली, मोटरसाइकिल परचेज कर ली बेटे, ये मोटरसाइकिल परचेज हुई है बेटे, और ये जो मोटरसाइकिल परचेज हुई है, ये मोटरसाइकिल कितने रुपए की परचेज हुई है बेटे, ये मोटरसाइकिल परचेज हुई है यहाँ पर 3000 रुपीज की, 3000 रुपीज की मोटरसाइकिल परचेज की है। अब बेटा ये बिजनेस के लिए मोटरसाइकिल अगर परचेज की है, तो अगर इसमें लिखा हुआ होता कि बिजनेस के यूज के लिए परचेज की है, तो बिजनेस के लिए परचेज होती तो बिजनेस का असेट्स माना जाता, बिजनेस के यहाँ ऊपर मोटरसाइकिल के नाम से आ जाता और कैश चला जाता, लेकिन ये बिजनेस के लिए परचेज नहीं हुई है, ये किस लिए परचेज हुई है, ये पर्सनल यूज के लिए परचेज हुई है, बिजनेस के लिए नहीं, ये प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए परचेज की। तो बताओ पर्सनल यूज के लिए परचेज की, लेकिन पैसा किसका यूज किया है, बिजनेस का यूज किया, पैसा बिजनेस का यूज किया है और ये पर्सनल यूज के लिए परचेज कर ली। तो बताओ बेटे पर्सनल यूज के लिए अगर हम बिजनेस का पैसा यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं, ये क्या हो गई, ड्रॉइंग हो गई। यानी अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है बिजनेस से, या कोई भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए परचेज करता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या माना जाता है बच्चों, वो बिजनेस के लिए ड्रॉइंग माना जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई बच्चों, इसे बोलेंगे हम ये ड्रॉइंग हो गई। तो बेटे ड्रॉइंग बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, ड्रॉइंग को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर इस एक्सपेंस को ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, बेटे 3000 हम कैपिटल से माइनस करेंगे, और बेटे क्योंकि कैश पे हो गया तो कैश से भी माइनस कर दिया जाएगा, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ड्रॉइंग थी हमारी बच्चों। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कराएंगे बेटे, तो यहां पर कितना बचा बताइए, 9000। बोलो बच्चों यहां कितना बचा, आप मुझे आंसर दो, यहां पर कितना बचा, यहां 300 प्लस 3000 इज इक्वल टू, यहां भी बताओ कितना बचा बेटे, 10450 बचा यहाँ पर, प्लस 2000 प्लस 100, यहाँ आंसर दीजिए जल्दी से बच्चों कितना बचा यहाँ पर, 9000
250, ठीक है 9250 बचा यहाँ पर। अब बेटे टोटल करो सबको, जरा देखो कितना आता है, 9250 प्लस 3000 तो कितना हो गया 12250, 12250 ये हो गया 12250 और ये 12550, यहाँ करते हैं बेटे ये भी 12550, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच हो रही है। और यहाँ लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हमारे पास कैश कितना है 9250, हमारे पास प्रीपेड रेंट कितना दे रखा है हमने 300 का, हमारे पास स्टॉक कितना है 3000 का, हमारे पास कैपिटल कितनी है 10450, हमारे पास लायबिलिटी क्रेडिटर्स कितने हैं 2000 के, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं जो हमने अभी पे नहीं किया 100 रुपीज। बोलो बच्चों क्या ये क्लियर हो रहा है आपको, क्या समझ पा रहे हो इसको हमने क्या किया है बच्चों, इसमें ये चीज क्लियर है आपको क्या? चलिए बच्चों अगर ये चीज क्लियर है तो यहाँ तक आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गई हमारे 12 क्वेश्चन तक। इसके बाद जितने क्वेश्चन आप कर सकें वो करिएगा बच्चों, 16 तक क्वेश्चन है इसमें, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिएगा, मेरी तरफ से अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर कंप्लीट है। अभी आप लोग अगर मुझसे कहेंगे सर ये हमारी समझ में नहीं आता तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रही है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आप लोग मुझे जरूर लिख के बताइएगा। और सुनिए बच्चों मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, वीडियो जिसमें हमने चैप्टर पढ़ा था बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें बेसिस हमने कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस पढ़ा था, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वो एग्जांपल नंबर 2 था, एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपको दिया था जो था एसआरके से रिलेटेड एक एग्जांपल था। उस एग्जांपल में बच्चों हमारा जो सोल्ड किया था जो हमने सामान वो सोल्ड हमने 2 लाख रुपीज का, उसमें जो सोल्ड किया था एक क्रेडिट किया था और हमने रुपीज 1,50,000 का कैश किया था, ये था उस एग्जांपल में। अब हमने ये उस एग्जांपल में इस तरीके से लिखा था बोर्ड पे, लेकिन ये इसके अपोजिट हमने सॉल्व किया था उसमें, वो गलती से इसको हमने कैश बेसिस मान लिया था। तो आप उसमें एक काम करिएगा, 2 लाख रुपीज को वहां पर कैश बेसिस लिखिएगा और 150 को आप क्रेडिट लिखिएगा, बस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सही करना है, वो क्वेश्चन गलत हो गया था। अब उस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि सोल्ड जो हुआ है 2 लाख रुपीज का कैश में सोल्ड हुआ है और जो क्रेडिट सोल्ड हुआ है 1,50,000 का क्रेडिट सोल्ड हुआ है, बाकी और कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन में, सिर्फ क्वेश्चन में हमने 2 लाख कैश जो था उसको क्रेडिट कर दिया था और 1,50,000 का क्रेडिट था इसको कैश कर दिया था, सिर्फ यहाँ कैश और ये क्रेडिट हो गया था। तो आप लोग सिर्फ इसको क्वेश्चन में चेंज कर दीजिएगा, 2 लाख को कैश बेसिस और 1,50,000 को क्रेडिट बेसिस, बाकी सब कुछ सही था। अंडरस्टैंड बेटे, आप इसको करेक्शन को आप लोग उसमें सही कर लीजिएगा उस वीडियो के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप सभी लोग खुश रहिए, सेफ रहिए, घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए और पढ़ते रहिए बच्चों, स्टडी कंटिन्यू रखिए आप लोग, 2 से 4 घंटे के बीच में आपको अकाउंट पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी अदर सब्जेक्ट भी बेटे घर पे हैं आप सभी लोग, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि हमारा टाइम निकल रहा है, एग्जाम हमारे उसी तरीके से होंगे, बड़े ही हम क्लासेस नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को पढ़ते रहना है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।